गर्मियों का मौसम आते ही अक्सर हमारे घर में आम की चटनी, आम के अचार तो बनते ही है। तो चलिए आज हम बनाएंगे आम की लौंजी, जो इसी प्रकार से बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बन जाती है। खट्टी मिट्टी टेस्ट का ये बहुत ही फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन है। लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ दो पीसेस आम के लिए है। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि आपको एक ही प्रकार का आम लेना है, तो इस तरीके से उसके छिलके हमें अलग करने हैं। हमें इसे उबाल कर या पका कर नहीं बनाना है, हम डायरेक्टली इसे कच्चा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो छिलकों के साथ भी इसे बना सकते हो। तो बस कुछ इस तरीके से आपको गुठली अलग करते हुए इसे स्क्वायर शेप्स में कट कर लेना है। आप चाहो तो इसे लंबा लंबा भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये आम की लौंजी एक महीने तक आराम से आपके रेफ्रिजरेटर में आप रख के इसे थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर सकते। अगर इसे ज्यादा समय के लिए आप यूज करना चाहते तो बस इसे हल्का सा हल्दी और नमक लगा के धूप दिखा दीजिए या फैन के नीचे 2 से 3 घंटे रख दीजिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो सूख जाए। अब एक पैन लेते हुए उसमें लगभग 2 टेबलस्पून जितना घी डालना है। उसी में 1 छोटा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी जिसे हम अनियन सीड्स भी कहते हैं, 2 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच नॉर्मल खाने का नमक, 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। सो यहाँ मैंने कलर वाली लाल मिर्ची यानी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ली है। अगर आप तीखे का इस्तेमाल करना चाहे तो आप उसे 1 बड़ा चम्मच रखिए। अब बस इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। आपको इस मोमेंट में गैस फ्लेम स्लो ही रखना है। अब बस सॉटे होने पर आम के पीसेस को इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छा सा मिक्स दीजिए। सो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप धूप दिखाते हैं या फैन के नीचे इसे सुखा लेते हैं 2 से 3 घंटों के लिए, तो आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। आप इसे लगभग 1 साल तक थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। अब बस इसी में हमें 1.5 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालना और ढक्कन ढककर इसे पका देना लगभग 10 से 15 मिनटों के लिए। दोस्तों, बीच बीच में 1 से 2 बार आप चेक कर लीजिए आम सॉफ्ट हुए हैं क्या नहीं। अगर ये थोड़ा भी सॉफ्ट हुआ है तो उसमें आपको तुरंत ही डालना है 1/2 कप गुड़। अक्सर आम की लौंजी बनाते वक्त लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं यहाँ चीनी का इस्तेमाल ना करते हुए गुड़ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ले बच्चों को खिलाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। बस इसी में 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच रॉक सॉल्ट यानी काला नमक डाल दीजिए। अब बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो मिक्सचर है उसे खुला ही रखना है। आपको इस मोमेंट में ढक्कन नहीं ढकना है, गैस फ्लेम को मीडियम रखते हुए इस मिक्सचर को गाढ़ा होने देना है कि कुछ इस तरीके से हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होगा और ये हमारी आम की लौंजी बहुत ही खट्टी मिट्टी चटनी रेडी हो गई है। इसे आप खिचड़ी, रोटी, किसी भी तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।